हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिसमें आपको सीरियल किलर देखने को मिलेगा, भूत देखने को मिलेगा, भूत नहीं भी देखने को मिलेगा, उसके अलावा एक जबरदस्त कहानी के साथ साथ मैसेज देखने को मिलेगा, उसके अलावा एक बढ़िया सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी मूवीज है ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि इन फिल्मों में आपको दो चीज कॉमन मिलेगी, पहली तो एंटरटेनमेंट भर के मिलेगा और दूसरा सभी फिल्म आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लाल बटन है जो सब्सक्राइब की प्रेस करना, उसके अलावा जो साथ ही बेल आइकन आएगा उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए बात करते हैं हमारे लिस्ट की पहली मूवी जो कि एक मलयालम मूवी है, इसका नाम है मेमोरीज। अगर इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है सैम एलेक्स जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके शहर में दो बैक टू बैक मर्डर्स होते हैं। अब इन मर्डर्स का इन्वेस्टिगेट करने के लिए वापस से इनको बुलाया जाता है, तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फिल्म आपको क्यों देखना चाहिए। आप लोगों ने सीरियल किलर पे तो बहुत सारी मूवीज देखी होगी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को अलग अलग मूवीज सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हमें सीरियल किलर देखने को मिला, जो वो मर्डर कर रहा है या उसके पीछे जो मोटिव है वो आपको बहुत ज्यादा हैरान करता है। उसके अलावा इस मूवी में जिस तरीके से सैम एलेक्स वो सीरियल किलर का पता लगाता है, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो मतलब इस फिल्म में आपका इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। उसके अलावा इस फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से किया गया, स्पेशली जो हमारे मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर सैम एलेक्स, उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मूवी में लिखा गया, इसीलिए आप उनके कैरेक्टर से इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जीतू जोसफ ने, जिनका डायरेक्शन मुझे कमाल का लगा और राइटिंग की सिर्फ इतना बोलूंगा के व्यूवर्स को नजर में रख के इस फिल्म को पूरा स्टार्ट से एंड तक इतने इंगेजिंग तरीके से बनाया गया कि आप लोग अपनी जगह से हिलोगे नहीं। तो मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, अगर आपको इस तरीके की फिल्में देखना पसंद है तो आप ये फिल्म जरूर देखना। ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये फिल्म आपको मलयालम लैंग्वेज में देखने को मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल, तो कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करेंगे तमिल मूवी की जिसका नाम है कुट्रम तंडानी और उसका हिंदी डब वर्जन नेम है लैंड शिवा। मूवी की बात करो तो मूवी की कहानी शुरू होती है रवि से, जिसको आंखों के एक रेयर डिजीज है, उसकी वजह से उसकी आंखों की जो रोशनी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। डॉक्टर का कहना यह है कि अगर जल्दी ही तुमने आंखों की सर्जरी नहीं कराई तो कुछ ही दिन में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और इस सर्जरी के लिए रवि को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। फिर कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब रवि की सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की का हो जाता है मर्डर, उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलता है सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं ये मूवी आपको क्यों देखना चाहिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मूवी में आपको ऐसी अनएक्सपेक्टेड कहानी देखने मिली जो आपने इससे पहले किसी फिल्म में देखा तक नहीं होगा। उसके अलावा इस फिल्म में एक बहुत ही शानदार मैसेज देखने को मिलता है, और मैसेज क्या है वो तो मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करूंगा। उसके अलावा इस मूवी के जो मेन एक्टर है जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया रवि का, उनके चेहरे का इनोसेंस और ऑनेस्टी देखकर आप पूरी तरह से उनके दीवाने बन जाते हो, और इस फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये उन अंडररेटेड मूवीज में से जो काफी लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। अगर आप लोग भी उन लोगों में से हो जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ये फिल्म को आप जरूर देखना, ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखना, आपको कहीं से भी निराशा नहीं होगी। ऑल्दो ये फिल्म की जो कहानी है वो स्लोली स्लोली आगे बढ़ती है, लेकिन जिस तरह से फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो पूरी तरह से आपको दीवाना कर देगा। तो अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसी इंडियन साइकोलॉजी थ्रिलर फिल्म के बारे में जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। ये मूवी 2011 में आई थी जिसका नाम है 404 एरर। ये मूवी एक लो बजट की मूवी है और इसमें काफी न्यू कमर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी इस मूवी की मेन जान है, उसके अलावा इस मूवी के थ्रू जो कुछ हमें बताने की कोशिश की गई वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबको बहुत अच्छी लगेगी। और मूवी की कहानी की बात हो तो कहानी काफी एक अहम मुद्दे पर फोकस करती है, वो है रैगिंग। आपको तो पता होगा अगर आप लोग ने भी कॉलेज पढ़ोगे तो आप लोग ने इस चीज का भी सामना किया होगा। अब रैगिंग से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग डिमोटिवेट होते हैं या बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो कुछ इसी टॉपिक पर ये पूरी फिल्म बनी। लेकिन उसके बाद इसमें जिस तरीके से भूत का तड़का डाला है तो वो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ये फिल्म थ्रू आउट आपको बहुत अच्छी लगेगी, ऑल्दो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है जहां पर आपको रैगिंग देखने को मिलती है और कॉलेज से रिलेटेड काफी कुछ चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिल्म आगे बढ़ती है ये फिल्म में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और ऐसे जगह पे ये फिल्म खत्म होती जहां पर आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस तरीके की चीजें होती है या नहीं होती है। मतलब इस फिल्म की एंडिंग जो है वो एक ओपन एंडिंग है, यानी कि मेकर्स पूरी तरह से ऑडियंस पे डाल देते कि अब आप लोग बताओ कि फिल्म के एंडिंग में हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा। तो बेसिकली इस तरीके की फिल्म ऑडियंस को ज्यादा समझ में आती नहीं, और स्पेशली अगर इंडियन ऑडियंस की बात हो तो मोस्टली इंडियन ऑडियंस को इस तरीके की फिल्में मजाक लगती है या तो उनको फ्लॉप मूवी लगती है। लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसा तरीका जो हॉलीवुड में हम लोग अक्सर देखते हैं, हॉलीवुड की तारीफ करते हैं,
लेकिन जब कोई इंडियन फिल्म मेकर इस तरीके की फिल्में बनाता है हम लोग से गाली देते या तो फिर फिल्म को जबरदस्त तरीके से फ्लॉप कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोग से इतना बोलूं कि आप लोग अगर इस तरीके की फिल्म का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के 20-25 मिनट इस फिल्म को बर्दाश्त कर लो उसके बाद एक जबरदस्त फिल्म आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे कन्नड़ मूवी की जिसका नाम है अलीडू उलीडवरू। ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। मूवी की बात करो तो ये अगेन एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत यूनिक लगा। इस मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है सीलम से, जो ऐसा शो चलाते जहां पर वो लोगों को बताते कि भूत प्रेत होता नहीं है, और ऐसे उन्होंने 99 एपिसोड कर दिया और 99 एपिसोड में एक ही चीज कॉमन थी, वो थे घोस्ट, जो कि उनको कहीं पे भी नजर नहीं आया। तो उनका मानना यह होता है कि भूत प्रेत होते नहीं है। खैर उनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है, उनको एक शख्स चैलेंज देता है, अगर तुम्हारा शो वाकई में रियल है तो तुमको एक रात मेरे घर पे बितानी पड़ेगी जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भूत है। तो क्या उसके बाद सीलम उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता दी फिल्म पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है काफी यूनिक है, लेकिन हाँ इस फिल्म की जो वीक पॉइंट है वो था इसके वीएफएक्स। 2020 में आप इस तरीके के वीएफएक्स देखो तो आपको हंसी भी आती है, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म आप इसलिए देखते हो क्योंकि कनाडा सिनेमा की तरफ से बहुत ही शानदार कोशिश की। उसके अलावा जो एक्टर ने यहाँ पर रोल प्ले किया सीरम का, उसका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो ये फिल्म सबको इतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म भी आपको अपने घर वालों के साथ बैठ के देखना चाहिए। और कुल मिला के ये मूवी का जो डायरेक्शन है ओके है। अब हम लोग बात करें थ्रिलर मूवी जिसका नाम है परियरुम पेरुमल। ये मूवी की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू थी एक विलेज में जहां पर हमें एक लोअर कास्ट के लोग दिखाए थे। अब वहां पर एक ऐसा सीन आता है जहां पर हमें इतना समझ में आता है कि यहाँ पर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के इसमें बहुत ही जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा, और ऐसा होता भी है। खैर कहानी में ट्विस्ट आता है अपर कास्ट का एक लड़का जिसका नाम है परियम, जो कि हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है ज्योति, वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है। उसके बाद इन दोनों में प्यार होता है, प्यार होने के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और क्या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती आपने इससे पहले किसी और फिल्म में नहीं देखा होगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये मूवी का फर्स्ट सीन जहां से शुरू होता है वहां से एंड सीन तक ये फिल्म आपको जगह से हिलने नहीं देगी। इस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो मतलब आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। उसके अलावा इस फिल्म में जिस तरीके से एक बढ़िया लव स्टोरी बताई जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस फिल्म के एक्शन की बात करो तो काफी रियलिस्टिक एक्शन यहाँ पर देखने को मिला, जो आप वाकई में आपको ऐसा लगता है कि अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई होती जो कॉमन लोगों के बीच में तो वो इस तरह से ही लड़ेंगे। उसके अलावा इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा लगा, फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और ये फिल्म अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जो मतलब सालों साल तक लोग याद रखेंगे। और जो लोग भी इस फिल्म को वीडियो के बाद देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वीडियो की कमेंट में आके जरूर तारीफ करेंगे। वाकई में ये मूवी वर्थ वॉच है आपका टाइम, इसलिए मैंने इस फिल्म को आखिर में रखा था कि चाहता था कि इस वीडियो की शुरुआत एक जबरदस्त फिल्म से हो और इसकी एंड एक शानदार फिल्म से हो। ये भी फिल्म आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो से मिल जाएगी विद इंग्लिश सबटाइटल। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ मुझे कमेंट करके इतना बता आप लोगों ने इसमें से कौन सी फिल्में देख चुके या कौन सी फिल्में देखना चाहते हो या कौन सी फिल्म आपको वाकई में बहुत अच्छी लगी, तो सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ और मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।